हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा आप लोगों को टाइटल लेके पता चल ही गया होगा कि आज का व्लॉग मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन का है। तो मैंने सोचा तो था कि मेरा बर्थडे का व्लॉग मैं मॉर्निंग टू नाइट पूरा शेयर करूंगी, बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि मैं शादी में गई थी और 8 से 10 दिन के बाद ही वापस घर लौटी हूँ। और फिर सुबह से हम ट्रेवल करके आए हैं 5 से 6 घंटे का, और सिवाय के भी वॉमिटिंग होती है बस में, तो जी ही नहीं बचती है कि आप वीडियो शूट कर पाओ। तो ये नाइट का व्लॉग है। ये करीबन 8 बज रही थी और हम सबसे पहले रेडी होकर बेकरी गए थे, वहाँ से हमने केक परचेज किया। सिवाय बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, केक देख के उसे बहुत पसंद है, केक और चॉकलेट्स। आज हम गए बिरयानी बाई किलो, क्योंकि हमारा बहुत दिन से मन हो रहा था बिरयानी बाई किलो जाने का, जब से हमने रविंद्र बरार का एड देखा था। फिर इंदौर में भी ओपन हो गया था, तो हमारा बहुत मन था, हम एनिवर्सरी पर भी प्लान किया था लेकिन नहीं जा पाए थे। तो हमने सोचा क्यों ना बर्थडे पर तो जाएंगे ही। हमने यहाँ पर बिरयानी का ऑर्डर दे दिया है, इसे फुलफिल होने में 40 से 45 मिनट का टाइम लगता है, जब तक हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम केक कट कर लेते हैं। केक कटिंग टाइम इज़ ओवर एंड बिरयानी टाइम इज स्टार्ट। तो हमने जो ऑर्डर किया था वो था हैदराबादी वेज बिरयानी। सच में बेहद टेस्टी था ये, इच्छा हो रही थी कि बस वो खाते ही रहो। लेकिन हमने एक ही बिरयानी ऑर्डर किया था, हमें पता नहीं था कि एक बिरयानी में कितना क्वांटिटी आएगा। हमारा यदि ऑर्डर भी करते तो बनने में वापस 40 से 45 का टाइम मिनट का टाइम लगता है, इसलिए हम लोगों ने इतना ही खाया है। तो आपको बता देती हूँ कि एक हांडी बिरयानी से 2 लोग पेट भर के अच्छे से खा सकते हैं, बट हम 3 थे तो हमारी छोटी मोटी भूख तो बाकी रह ही गई थी। हमने यह मीडियम स्पाइसी बनाया था तो सिवाय ने भी इजीली खा लिया, इसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी उसे भी। इसके साथ ही कर्ड रायता और ग्रीन सैलेड कॉम्प्लीमेंट्री था जो बिल्कुल फ्री में था, और इनका सर्विंग एंड प्लेटिंग दोनों स्टाइल बहुत ही बढ़िया था, मस्त वाला। चलिए बिरयानी को एंजॉय करते हैं। बिरयानी खाने के बाद हम आ गए हैं द लस्सी डे कैफे, जहाँ का हमें बर्गर पाव मेरे हस्बैंड को स्पेशली ट्राई करना था, क्योंकि उन्होंने इंस्टाग्राम पे रील्स देखी थी बहुत इसके। हमने सोचा कि रास्ते में ही पड़ता है तो क्यों ना इसे भी ट्राई कर लेते हैं। तो ये हमारा सिवाय न्यू कार्ड लेकर बैठा है कि इसके लिए कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन इसके लिए यहाँ पे सैंडविच अवेलेबल था ही नहीं। ऑर्डर बनकर आएगा, तब तक तो सिवाय एक जगह बैठता ही नहीं है, उसे तो भागना होता है, तो हमेशा की तरह ये तो चालू हो गया। इसे पकड़ने के लिए इसके पापा भी चले गए इसके पीछे पीछे। बर्गर वड़ा पाव तो फटाफट से बनकर रेडी हो गया था और टेस्टी भी था खाने में, सिवाय को भी अच्छा लगा, उसने भी थोड़ा बहुत यही खा लिया। बट हम लोगों ने जो बर्गर ऑर्डर किया था, क्योंकि हमें वड़ा पाव पसंद नहीं है, तो हमारा जो बर्गर था वो थोड़ा लेट बनकर आया था, और इसमें हमने एक चीज़ वाला बर्गर ऑर्डर किया था और एक महाराजा बर्गर था, दोनों ही सेम थे हमें जो मिले थे, और इसमें मेयोनीज तो इतना ज़्यादा डला था कि बिल्कुल मुंह ही फेर दिया था, खाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। बट क्या करें, पेट थोड़ा बहुत खाली था और ऑर्डर भी किया था तो पैसे तो वेस्ट नहीं कर सकते थे, तो हम लोगों ने इसे ही खा लिया। ये तो ओपन में बना हुआ था और बैकग्राउंड भी बहुत ही अच्छा था, तो खाने पीने के बाद हमने किए बहुत सारे फोटोज क्लिक।
और मेरा बेटा शिवा जिसके फोटोज़ क्लिक करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक जगह रुकता ही नहीं है तो फोटोज़ इसके क्लिक ही नहीं हो पाते, बस वीडियो ही बनते हैं। यह था हमारा छोटा मोटा बर्थडे सेलिब्रेशन जो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे घर की ओर, तो व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।